हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि मार्केट ने पीछे किस तरीके से परफॉर्म किया, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहे। यहाँ पे आप देखेंगे मई के शुरुआत में ही मार्केट ने पर्टिकुलर हमें एक रेंज दिखाई। हमारा यहाँ पे एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ आगे करूंगा। फिलहाल अगर हम इम्पोर्टेंट लेवल पर नजर डालें तो आप देखेंगे सपोर्ट हमें देखने को मिला है 35,900 पे। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिला है। हालांकि मार्केट ने बहुत बार इसका ब्रेकडाउन भी दिया है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। बार बार आपको ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में यहाँ पे दिखाई दिया। वहीं बात करें रेजिस्टेंस की, तो 36,100 पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। इसी जोन में आप कह सकते हैं पर्टिकुलर मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया था, लेकिन इसी जोन के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था और फिर हमें इसका ब्रेकआउट भी मिल रहा है। यानी कि अब ये भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए दो सपोर्ट लेवल हो जाते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। एक 35,900, एक 36,100 पे आपके लिए दो सपोर्ट लेवल हो गए। अब मैं आपको सीधा उस पैटर्न की ओर लेके चलता हूं और डिस्कशन करते हैं इसका, क्योंकि ये समझना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं। काफी लोगों के कमेंट आते थे कि सर ये कौन से पैटर्न है, ये तो दो तो ट्रेंगल वाले पैटर्न मैंने आपको बताए थे, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न आपको बताए थे और पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए ये चार पैटर्न आपको बताए गए थे। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और आपने उस वीडियो को काफी पसंद किया है। वहां पे मैंने उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन चारों पैटर्न्स को, और ये पैटर्न आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं वे सारी चीजें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आपको उस पर नजर रखनी है, इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। हालांकि उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम पैटर्न पे नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। इस जोन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पे इसका हमें ब्रेकआउट मिला था और आपको 100+ पॉइंट का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। तो इजिली जिसने भी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाया, ईमानदारी से कमेंट करना। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉफिट नहीं बना पाया कोई बात नहीं, अगर उसने इस पैटर्न को देख लिया था, पहचान लिया था, तब भी कमेंट करना, ईमानदारी से करना, क्योंकि आपकी लर्निंग ही है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो आप सीख भी पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। क्योंकि जो चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग लाखों रुपए देख के भी इसे सीख नहीं पा रहे। ये चीजें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजों को सिंप्लीफाई करके, हर तरीके से सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें तो इसका ब्रेकआउट मिल चुका, इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है, वो क्या है कि मान लो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मान लो ये पैटर्न ही है, आपको ब्रेकआउट मिला, पहली चीज हमें क्या देखनी है, प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, नजदीकी कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि मान लो आपने यहां पे बाइंग पोजीशन बना ली, नजदीकी रेजिस्टेंस है और मार्केट रिवर्स हो जाए, आपका लॉस हो जाएगा। या मान लो ब्रेकडाउन मिला, आपने सेलिंग पोजीशन बना ली और नजदीकी कोई सपोर्ट लेवल हो इंपोर्टेंट, मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए कल को हमें सोच समझ के पहले मार्केट का मोमेंटम देखना है। बायर्स हावी है, अगर बायर्स हावी है तो ये पैटर्न हमारा पूरे तरीके से काम करेगा, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अगर सेलर्स हावी हो गए तो वे मार्केट को डाउन ले जाएंगे, और डाउन ले जाएंगे दो तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिए, 36,100, दूसरा रहेगा 35,900। ये दो लेवल मैंने आपको बता दिए। आगे और भी डिस्कशन करेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, आप फिलहाल बेफिक्र रहिए। तो फिलहाल आपको कल के दिन इस चीज को ऑब्जर्व करना है, समझ गए आप अच्छी तरीके से। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 36,029 की है, ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे ये 36,231 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम हो सकता है।
अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, जो 36,231 है, ये हाई भी है जो मार्केट ने मई में लगाया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। ब्रेकआउट होकर अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करेंगे प्राइस एक्शन और पिवट पॉइंट की मदद से, और ऑप्शन चेन पे भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देखे, मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,400 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आप देखेंगे 29 को भी मार्केट ने एज ए सपोर्ट और ब्रेकडाउन देने के बाद एज ए रेजिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट की है। 28 को भी देखेंगे आप, 28 को भी मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की है। 26 को भी देखेंगे आप, मार्केट पहले सपोर्ट लेके चल रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस लेके चल रहा है। 22 को भी देखेंगे, एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला है। 21 को देखेंगे, एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 20 को देखेंगे, एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, 18 को देखेंगे, 18 को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। जो 36,400 का लेवल है, ये हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसे हमने कई बार डिस्कस किया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो 36,600 पे हमें एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इसका भी डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 29 को आपको पहले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। 26 को देखेंगे, एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। 22 को देखें, मार्केट में एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और वहीं से ही मार्केट ने आपको गिरावट भी दिखाई। आप यहाँ पे 21 को देखें, 21 को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। 19 को देखिए, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया, हालांकि बाद में इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। आप 18 को देख सकते हैं, 18 को आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गया, फिर फ्लैट ओपनिंग देखे, मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस पे नजर डालेंगे आप, मई में ही हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। आप 27 को देख सकते हैं, 27 को हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 25 को देख सकते हैं आप, 25 को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,600 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मई में भी आप देख सकते हैं, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। 25 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, काफी लोगों के कमेंट आए मुझे इस वीकेंड के दौरान कि सर पिवट पॉइंट को डिटेल में समझाइए। इन्हें मैं बताना चाहता हूं कि पिवट पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस हमने काफी प्रोवाइड की है, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके सर्च कीजिए और वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो हमें पहला रजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,263 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 36,545 पे आपको दिखाई दे रहा है। और इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 36,719 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,980 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,803 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,520 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है,
कोल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, जहाँ पे आप देखेंगे 17.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 36,800 पे, जहाँ पे आपको 9.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 36,000 पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 16.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 35,500 पे, जहाँ पे आपको 15.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों वेबसाइट पे आपको नया आर्टिकल प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। 11th एपिसोड आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। यहाँ पे हम आपको फ्री कैंडलस्टिक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस किया गया है। जल्द ही आपको अगला एपिसोड भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो जल्दी से वेबसाइट पे विजिट कीजिए और इस आर्टिकल को पढ़िए। इसमें वीडियो भी प्लेस की गई है, आप वीडियो को भी देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।